ओके आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका नोमेनक्लेचर वाला पार्ट, यानी नोमेनक्लेचर किसका, हेलो एल्केन का। तो वो इसमें इसमें देखोगे कि इसका जो नेमिंग होता है, इस नेमिंग में ये जो हेलो होता है, हेलो हेलो इज रिटन एज प्रेफिक्स, एज प्रेफिक्स। प्रेफिक्स समझते हो, जो नाम के पहले आता है। ठीक है, तो सिंपल है, जैसे मान लो CH3Cl है, तो Cl के लिए क्या लिखाएगा, क्लोरो, और ये एक कार्बन का एल्केन मीथेन, तो नाम क्या पड़ गया, क्लोरो मीथेन। जैसे मान लो दो कार्बन का है CH3CH2ClBr, मान लो तो Br के लिए क्या लिखाएगा, ब्रोमो, और दो कार्बन का एल्केन इथेन, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। सिंपल है, फिर से क्या बोले, यहाँ देखो हेलो कहाँ लिखाता है, नाम के पहले। तो यहाँ जो देन जो बेस नेम आता है, यानी बेस नेम जो लिखाएगा, नाम के पहले कौन आ गया, हेलो, और बाद में क्या लिखना है, अल्केन, बाद में क्या लिखना है, अल्केन। ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, ये क्या बताएगा जी, नंबर ऑफ कार्बन एटम को। तो बोलो जी, का एक कार्बन एटम का अल्केन कौन, मीथेन, दो कार्बन का इथेन, नाम कैसे लिखना है, हेलो अल्केन, मेंशन करो। देखोगे जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है, वो एग्जांपल है CH3CH2CH2Br। तो बोलो जी इसका नाम कैसे लिखाएगा, जैसे मान लो अगर बाय द IUPAC नेम लिखते हैं तो पोजीशन देते हैं, पहला पोजीशन दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या लिखाएगा, वन ब्रोमो लिखो या सिंपल ब्रोमो लिखो, और लास्ट में तीन कार्बन को क्या लिख दोगे, प्रोपेन, क्या लिख दोगे, प्रोपेन। अब इसका कॉमन नेम कहता है, क्या कहता है जी, कॉमन नेम, हमेशा NCERT के किसका कॉमन नेम लेके चला है, याद है, नॉर्मल, आइसो और नियो कभी सिखाए थे, क्या देखो स्टेट चेन में है तो ये लिखाएगा एन प्रोपाइल, क्या लिखाएगा, एन प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रोमाइड, मतलब अल्काइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम जो लिखते हैं, यहां देख ले एक मिनट, कॉमन नेम लिखते हैं क्या, अल्काइल ब्रोमाइड, क्या लिखते हैं जी, अल्काइल हैलाइड कर लो, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल के जगह ये कौन सा अल्काइल है, स्ट्रेट चेन में है तो क्या लिखाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल, और इस हैलाइड के जगह क्या लिखाएगा, ब्रोमाइड। सुने आ? जो लोग पीछे नहीं पढ़े थे नोमेनक्लेचर, याद रखना, अगर इस तरह से कोई भी अल्केन है तो इसको बोलते हैं एन अल्केन, क्या बोलते हैं, लेकिन मान लो दूसरे कार्बन पे इस तरह से अगर आ गया तो इसको बोलते हैं आइसो, क्या बोलते हैं, आइसो अल्केन। दूसरे कार्बन पे एक कार्बन का ब्रांच है, फिर से बोलो, स्ट्रेट चेन वाला नॉर्मल अल्केन, दूसरे कार्बन पे एक ब्रांच आ गया तो आइसो, और दूसरे कार्बन पे अगर आपको ऐसा दिखाई देने लगे, दो कार्बन आ जाए, दूसरे कार्बन पे कितना कार्बन आ जाए, दो कार्बन आ जाए ऐसा, तो इसको बोलते हैं नियो अल्केन, क्या बोलते हैं, नियो अल्केन। फिर से बोलो, स्ट्रेट चेन वाला नॉर्मल अल्केन, ये दूसरे कार्बन पे एक कार्बन आ जाए तो बोलना रे आइसो, और दूसरे कार्बन पे दो आ जाए तो नियो। तो देखो, तो यहाँ पे क्या था, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट चेन में था, तो स्ट्रेट चेन वाला कौन सा है, नॉर्मल, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए, एन अल्काइल के जगह तीन कार्बन वाला प्रोपाइल। रुको, अगर आपको कहीं ऐसा दे दिया CH3CH CH3 और यहाँ लगा दिए Br, अब इसका नाम बताओ, पहले IUPAC नेम 1, 2 और 3, दूसरे पोजीशन पे कौन है, ब्रोमो, तो क्या लिखाएगा, 2 ब्रोमो और तीन कार्बन वाला प्रोपेन, तीन कार्बन वाला प्रोपेन। कॉमन नेम कोई बता दे, देखो तो ये नहीं है कुछ ऐसा, इस तरह से मान लो 1, 2, 3, 1, 2, 3, और यहाँ पे मान लो क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन रहे, तो ये क्या है, आइसोप्रोपाइल, क्या है ये, आइसोप्रोपाइल, और लास्ट में क्या लगा दोगे, ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल, और लास्ट में क्या लगा दो, ब्रोमाइड। फिर से बोलना,
ये वाला ग्रुप दिख रहा है, अरे ये है ना, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, अरे लिख सकते हैं ना, इस ब्रोमीन को ही सीधा कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, तो ये नहीं दिख रहा है आइसो वाला, तो आइसो अल्केन है, तो आइसो कौन सा अल्केन है, तीन कार्बन वाला, तीन कार्बन वाला अल्काइल क्या कहलाएगा, प्रोपाइल, तो नाम क्या पड़ा, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइल, मेंशन कर, एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। देखो ये सब जो कॉमन नेम है बहुत कम में ही एप्लीकेबल होता है, आगे जैसे जैसे बढ़ोगे कॉमन नेम का कोई ज़रूरत नहीं रहता। मेनली कौन आता है, आईयूपीएससी नेम, मेनली कौन आता है आईयूपीएससी नेम, के लिए आपको ये याद रहना चाहिए क्या, बेस नेम, बेस नेम बोलो क्या है, हेलो अल्केन, तो छोड़ दो सिंपल सा बोलो, एक कार्बन वाला यहाँ सी एल था क्लोरो मीथेन, यहाँ ब्रोमीन था ब्रोमो इथेन, यहाँ वन पे ब्रोमो है तो वन ब्रोमो प्रोपेन, यहाँ दूसरे पे है तो टू ब्रोमो प्रोपेन, आईयूपीएससी नेम लिखना आसान है। ठीक, बढ़ें आगे, ये बढ़ें आगे, चलिए CH3CH CH3, यहां देखो वन टू और थ्री, दूसरे पे कौन है मिथाइल और पहले पे कौन है क्लोरो, अल्फाबेट में पहले कौन आएगा C, बाद में आएगा M, नाम लिखाएगा वन क्लोरो टू मिथाइल, और कितना कार्बन है स्ट्रेट चेन में, तीन, तीन के लिए प्रोपेन, तीन के लिए प्रोपेन। ठीक है, सबका कॉमन नेम नहीं होता है, फिर भी इसका कॉमन नेम है, कैसे कॉमन नेम है, ये आइसो है, अरे है, आइसो में टोटल कार्बन कितना है, चार, चार के लिए ब्यूटेन वाला, चार के लिए ब्यूटेन वाला, तो नाम क्या पड़ेगा, आइसो ब्यूटाइल, और लास्ट में कौन लगा हुआ था, क्लोराइड, कौन लगा हुआ था, क्लोराइड। चलिए जल्दी कीजिए, जितना है आपके एनसीईआरटी में सबको जल्दी जल्दी करते चल गया, हो गया। चलो इसके बाद है आपको, इस तरह से बेंजीन लिया गया है और बेंजीन में ब्रोमीन लगाया हुआ है, हमने अभी अभी आपको इसका बदलो बेस नेम क्या बताए थे, बेस नेम बोलना जी, हेलो अल्केन, तो अल्केन किसके लिए होगा, एलिफेटिक के लिए, तो एरोमेटिक के लिए क्या हो जाएगा, हेलो एरीन, क्या होगा ये किसके लिए, फॉर एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब जहां पे क्या होगा, बेंजीन रिंग, तो बोलो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में हेलोजन कौन लगा हुआ है, ब्रोमीन, तो उसके लिए हेलो क्या लिखाएगा, ब्रोमो, क्या लिखाएगा, ब्रोमो, और वो जो एरीन है वो है कौन, बेंजीन, तो नाम क्या पड़ गया, ब्रोमो बेंजीन, क्या नाम पड़ गया, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अब दो ब्रोमीन लगा देते हैं, एक ब्रोमीन यहां है और एक ब्रोमीन आपका ऑर्थोमेटा पारा, चलो यहां लगा देते हैं, नाम बोलो इसका, बस यही एक दो आदमी, बाकी को सब लोग सब इलेवेंथ में पढ़े हो, मैं तो करता ना तुम लोगों नाम पे ना एक स्पेशल कहते हैं ना पाला जाए किसी का नाम रख रख के, कितने लोग बता सकते हो उसका नाम, बोलो वन टू और थ्री, तो वन थ्री दो बार आया डाई ब्रोमो, और ये क्या लिखाएगा बेंजीन, अगर कॉमन नेम लिखना होगा बैठ जा, अगर इसको हम मेन ग्रुप मान लिए, मेन के बगल वाला पोजीशन याद कर, ओर्थो उसके बगल वाला मेटा उसके बगल वाला पारा, ओ एम पी याद आया, कुछ नहीं, ओ एम पी, ये ओ है ये एम है, अरे है, तो क्या होगा मेटा ब्रोमो लिखाएगा, तो उतना मत लिखो सब कॉमन नेम छोड़ दो, वन थ्री डाई ब्रोमो बेंजीन, अगर यही हम तीनों पोजीशन पे ले आए, इसके तीन पोजीशन पे ले आए, यहाँ भी ब्रोमीन रख दिए, यहाँ भी ब्रोमीन रख दिए और यहाँ भी ब्रोमीन रख दिए, अब नाम लिख लोगे, पोजीशन बता, एक दो तीन चार पाँच और छः, बोलो कहाँ कहाँ है, वन थ्री फाइव, तीन बार आया, बोलो ट्राई ब्रोमो बेंजीन, लिख सकते हैं, हाँ चलाइए तेजी में, क्वेश्चन है आपके, मतलब जो एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में,
बढ़े आगे हो गया ना, जितना एनसीईआरटी में है सबको कम से कम नाम लिखिए इसका। यहां देखो, यहां पे हेलोजन है, 1, 2 और 3। बोलो पहले पोजीशन पे कौन है, क्लोरो, ये सीखे। दूसरे पोजीशन पे दो बार आ रहा है कौन, मिथाइल। देखो कैसे लिखा है, कैसे सिखाए थे, 2, 2 दो बार आया तो डाइमिथाइल। अरे हो गया, स्टेट चेन में कितना कार्बन, 3, 3 के लिए प्रोपेन। इतना कहाँ सोचना था जी। फिर से बोलो, पहले पोजीशन पे बोल क्या था, क्लोरो, दूसरे पोजीशन पे दो बार कौन आया, मिथाइल, नाम क्या पड़ा, 2, 2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। मेंशन कर, एक है आपका CH3, CH, CL और CL, 1 और 2, 1 पे ही दो बार आया, बोलो 1, 1 डाइक्लोरो और 2 कार्बन के लिए इथेन। यही देख लो, इसी को अगर हम ऐसे लिख देते CH2, CH2, CL और CL, अरे होता। तो यहां बोलो 1 और 2 क्या लिखा था, 1, 2 डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो इथेन। तो बोलो जी, ये हमने क्या सिखाया, आसपास है तो विस, और ये एक ही कार्बन पे है तो जेम। पिछले क्लास में सिखाए थे, इसको हम क्या बोले थे, जेम डाइहेलाइड बोले थे, और ये आसपास में है तो क्या सिखाए थे, विस डाइहेलाइड। अब इसका नाम है इथाइलिडीन और इथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है, वो नाम एकदम स्पेलिंग के साथ याद रखिएगा। इसका नाम है जेमिनल वाले का कॉमन नेम है जो एनसीईआरटी लिखा है, और यही कहीं क्वेश्चन में मिलेगा, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड, और इसका कॉमन नेम लिखा है इथाइलीन डाइक्लोराइड। देखो छोटा सा अंतर है, चलो लाइट आ गया, फिर से देखो कभी पिछले क्लास में हम सिखाए थे ऐसे याद रखना है। सुने एक मिनट, जेम मतलब बोलो क्या सिखाए थे, सेम, और विस मतलब क्या सिखाए थे, आसपास, क्या सिखाए थे जी, आसपास। तो आसपास वाले कार्बन पे है तो बोलो नाम पड़ा, विस डाइहेलाइड, एक ही कार्बन पे तो नाम बोलो, रुको एक मिनट, यहाँ देखो दोनों तो है एक जैसा, लेकिन दोनों के नामकरण में देख कैसे अंतर है। यहाँ बोलना इथाइलिडीन और यहाँ इथाइलीन, जबकि जब पता है यहाँ ना तो डबल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं नहीं ना है, फिर भी यहाँ पे यहाँ देखो इन लास्ट में आता है, ये कॉमन नेम है, इट डजेंट रिप्रेजेंट द डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को नहीं बताता, ये इसका कॉमन नेम है। जैसे होता है ना पुकारू नाम, किसी का नाम रख दिया था मुन्ना ढक्कन, तो ढक्कन नहीं ना है जी, मतलब उसका थोड़ा सा कैरेक्टर वैसा होगा, नाम रख दिया गया। तो यहाँ पे देख, इसका पुकारू नाम है क्या, बोल, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, और इसका नाम है, तो दोनों में इन है लास्ट में, तो इन लास्ट में होता था तो क्या बताता था, अल्कीन। क्या यहाँ कहीं डबल बॉन्ड है, नहीं, ये छोटा सा एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। हाँ चले चलो, एक आध को बना यहीं पर दे देते हैं। इस तरह से बेंजीन में लगा हुआ है CH2Cl, नाम लिखो, बेंजीन में लगा हुआ है CH2Cl, देखो एक ही कार्बन है, अरे है, तो इसका अगर हम अगर नंबरिंग करेंगे तो यही है ना, तो एक ही पे कौन है, ये क्लोरीन भी है और ये बेंजीन भी है। याद कर, कभी हम आपको सिखाए थे पहले तो 1 क्लोरो लिख दो, और यही पहले पोजीशन पे ही कौन है, फिनाइल, अरे कौन है, फिनाइल, और एक कार्बन का अल्केन, और एक कार्बन का अल्केन, ये चीज याद रखना है, एनसीईआरटी के बॉक्स में दिया हुआ है, और ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फिर से बोल, पहले ही पोजीशन पे कौन है, क्लोरो, और पहले ही पोजीशन पे कौन है, बेंजीन को जब साइड चेन में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, फेनाइल, तो 1 क्लोरो 1 फेनाइल मीथेन, ठीक, इसी का एक मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। अब इसका नाम लिख, एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है,
यहां बोलो, ये मेरा, ध्यान दो, ये मेरा क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये वन और ये टू, नाम बोल, वन क्लोरो टू मिथाइल, और ये चूंकि अब मेन चेन बन गया तो मेन चेन कौन बन गया, बेंजीन, अरे बना, चूंकि यहां देखो यहां पे ये बेंजीन पे लगा हुआ था क्या, एक कार्बन और उसी पे कौन था, सीएल, तो ये था मेरा मेन चेन, मेन चेन मेरा बेंजीन नहीं था, बेंजीन एज ए साइड चेन था, यहां पे चूंकि छह कार्बन पे एक लगा हुआ है सीएल और एक क्या लगा हुआ है सीएच3, तो ये छह कार्बन वाला क्या बन गया, मेन चेन, तो मेन चेन को कहां लिखते हैं, सबसे लास्ट में, तो बेंजीन सबसे लास्ट में, जिसके पहले पोजीशन पे क्लोरो है तो दूसरे पोजीशन पे कौन है, मिथाइल, वन क्लोरो टू मिथाइल बेंजीन, इन दोनों को देख लीजिएगा, ये बॉक्स में आपका बना हुआ है एनसीईआरटी में, जल्दी करो जल्दी करो, अब दो चार को आपसे बनवा, आज बनवा ही लेते हैं, आज क्वेश्चन ही बनवाएंगे, यहां देखो बॉक्स में इतना क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, ये हम आपसे अभी बनवाते हैं, हो गया, चलिए आईयूपीएससी नेम है, लिखना है आपको, एग्जाम्पल है 6.2, पढ़े, अब नहीं और हाँ कहाँ, घर में जाके आप वीडियो देख के बनाइएगा, सर वीडियो कौन देखता है, सर CH3H, H BR और CS3, नाम लिखो इसका, ये एनसीईआरटी में बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, आपसे पूछा है इसका नाम बताओ, सुनो एक मिनट सुनो, जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर दे, सुनो एक मिनट, जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर दे उसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे सिंप्लीफाई, यहां देख एक मिनट, सब लोग, हर कॉर्नर किसको बताता है, एक कार्बन को, तो यहां तीन कार्बन यहां है, एक चौथा, चार कार्बन यहां और पांचवा कार्बन यहां, यानी टोटल कितना कार्बन है, पांच, और जिसके यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड, तो जिधर डबल बॉन्ड किनारे पे होगा उसका पोजीशन हमेशा क्या देना होगा, कम, उसका पोजीशन क्या देना होगा, कम, चलो तो सोचते जाओ, यहां शुरू करो, यहां देख CH3 जैसा जैसा है वैसे ही सोचते हैं, यहां सी, यहां क्या लगा हुआ है, H, ये डबल बॉन्ड, यहां सी, यहां H, फिर यहां पे सी, यहां पे कौन है H, यहां BR और यहां कौन है CH3, चलो नंबरिंग करना मेरे साथ, यहां बोलो 1, 2, 3, 4 और 5, हो गया, तो क्या नजर आ रहा है, चौथे पोजीशन पे कौन है, ब्रोमीन, बोलो 4 ब्रोमो होगा, टोटल कितना कार्बन, पांच, पांच के लिए क्या लिखोगे, पेंट, जिसके दूसरे पोजीशन पे कौन है, इन, टू इन, अरे हो गया, फिर से बोलो, चौथे पोजीशन पे कौन था, ब्रोमीन, 4 ब्रोमो, 5 कार्बन का मेन चेन के लिए, पेंट, पेंटेन नहीं, अल्केन होता तब ना एन लगता, ये कौन है, इन, डबल बॉन्ड है, कहां पे है, दूसरे पोजीशन पे, तो टू इन, हो गया नाम, जल्दी करो, चलो इसका नाम लिखो, चलिए यहां देखिए सिंप्लीफाई करो, यहां देखो छोड़ कॉपी पेन, कॉपी पेन छोड़, हम क्या बोले थे, हर जंक्शन या हर कॉर्नर किसको बताता है, एक कार्बन को, तो बोलो यहां, यहां दिखाई दिया कार्बन, उससे क्या अटैच्ड है, दो हाइड्रोजन, यहां कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहां कौन लगा हुआ है CH3, फिर यहां कार्बन, यहां लगा है एक H, एक CH3 और एक BR, चलो मेरे साथ सोचो, यहां डबल बॉन्ड है तो इसका नंबरिंग हमेशा कोशिश करेंगे कि डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या मिले, कम, अरे है ना, तो बोलो यहां से 1, 2, 3 और 4, बोलते जा, तीसरे पोजीशन पे कौन है, ब्रोमो, अरे है, दूसरे पोजीशन पे कौन है, अरे बोलना, मिथाइल, चार कार्बन के पहले पोजीशन पे कौन है, डबल बॉन्ड,
चार कार्बन का बोलो ब्यूट, क्या लिखोगे ब्यूट, और इसके पहले पोजीशन पे इन है तो वन इन ब्यूट, वन इन या वन ब्यूटीन, अरे होगा ना, फिर से बोलो मेरे साथ। तीसरे पोजीशन पे कौन था ब्रोमीन, थ्री ब्रोमो। दूसरे पोजीशन पे कौन था मिथाइल, टू मिथाइल। चार कार्बन का जो आपको हम सिखाए हैं, चार कार्बन के लिए बेस नेम क्या लिखते थे ब्यूट, अरे ब्यूट हुआ। जिसके पहले पोजीशन पे कौन है अल्कीन, तो क्या लिख दिए वन इन, जल्दी मेंशन कर। चलिए बढ़े आगे, बउआ कुछ दिन पढ़ ले, ढंग से पढ़ ले। CH3 यहां डबल बॉन्ड, यहां H, यहां H, यहां Br और यहां CH3, ये है आपका तीसरा नंबर। टोटल छह क्वेश्चन हम चार बनवा देते हैं, बाकी आप लोग दिखा दो घर में बनाइएगा। बोलो यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है और ये खुद कार्बन है। बोलो कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, एक दो तीन चार और पांच, ये वाला तो साइड चेन में है। चलो स्टार्ट हो जाओ, जैसे जैसे सिखाए हैं CH3 यहां डबल बॉन्ड, यहां एच, यहां सी, यहां बी आर, यहां एक एच है और यहां CH3। चलो नंबरिंग करो, हमेशा क्या बोले हैं इस डबल बॉन्ड को क्या करो, इस तरह से नंबरिंग करो कि उसका पोजीशन क्या मिले, कम पोजीशनिंग करना है इसका। इसका हम एक काम करते हैं, पोजीशनिंग यहां से लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। बोलो चौथे पोजीशन पे कौन है ब्रोमीन, नाम बोलो 4 ब्रोमो। मिथाइल कहां पे है, तीसरे पोजीशन पे, बोलो 3 मिथाइल। टोटल कितना कार्बन है 5, मतलब स्टेट चेन में कितना है 5। 5 के लिए बोलो पेंट, जिसके दूसरे पोजीशन पे है डबल बॉन्ड तो 2 इन। समझ में आया, कुछ नहीं है, बस एक बार ढंग से प्रैक्टिस करो, एकदम बनेगा। जल्दी कर जल्दी कर। एक इसमें 5 छठा नंबर ले लेते हैं सीधा, छठा में है, यहां है CH3, यहां है H, यहां भी है H, यहां है Br, यहां है H और यहां है CH3, नहीं यहां भी है H। चलो नाम लिखो इसका, याद हो जहां जहां आपको दिख रहा है कि कॉर्नर है 1, 2 और 3, अरे है यानी वहां कार्बन होगा। चलो इसका स्ट्रक्चर बना लो पहले, यहां CH3 है, यहां एक कार्बन है जहां H है, Br है और H। इसका नंबरिंग करो, नंबरिंग करेंगे तो यहां देखो, चूंकि हमेशा हम क्या बोले हैं डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या मिले कम, तो बैठाओ यहां 1, 2, 3 हुआ। दूसरे पोजीशन पे मिथाइल दिख रहा है, तीसरे पोजीशन पे ब्रोमो दिख रहा है, नाम बोलो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का है तो प्रोप, और पहले पोजीशन पे है तो क्या लिखाएगा इन, नहीं भी लिखोगे 1 तो चलेगा, लेकिन हम हमेशा हम कहते हैं पहले पोजीशन पे भी आए ना तो 1 मेंशन करो, रूल कहता है 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा ठीक, बट मेंशन करना चाहिए, वो आपका क्लियरिटी रहेगा कि कहां पे आया है ठीक है। जल्दी करो, यहां हम ले रहे हैं अल्केन C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। मतलब ये वाला बोल, छोड़ ना कॉपी पेन, क्वेश्चन बाद में भी लिख लेना तुम्हारे NCERT का ये बॉक्स का। यहाँ देख, ये एक कार्बन वाला कौन होगा मिथ यानी मीथेन, ऐसे ही हम बीच में लिख दे रहे हैं, ये कौन होगा पेंटेन, और ये 10 कार्बन वाला डेकेन, बाकी तो सब तो समझ गए, छोड़ देना अभी कुछ मत लिखो। यहां देखो, यहां कहता है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कौन सा आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मेरे साथ बोलना 111, 235,
18 35 75। इसका मतलब क्या है? शुरुआत का तीन जो है मीथेन, इथेन और प्रोपेन में स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना होगा? एक एक, मतलब दूसरा स्ट्रक्चर उसका नहीं बनेगा। कहां से शुरू हुआ? ब्यूटेन से। अरे कहां शुरू हुआ? ब्यूटेन में कितना होगा? दो। पेंटेन में होगा तीन। पेंटेन में तीन, हेक्सेन में पांच और हेप्टेन में नौ। बस यही याद रखना, इतने ही से क्वेश्चन पूछता है। 235 और 9, इतना बहुत आगे हो जाता है, उतना आप लोग के स्टैंडर्ड में नहीं पूछा, उस समय एमएससी वगैरह बीएससी में पढ़ना है। बोले आप, चार में कितना है स्ट्रक्चर आइसोमर? दो। पांच में तीन, छह में और सात में नौ। एक बार याद करो मेरे साथ, यहां देखो कैसे। एज ब्यूटेन, ब्यूटेन का फार्मूला बोलो, C4H10। हमने बोला कि इसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हमने कहा वो कितना होगा? दो। कितना होगा? दो। देख कैसे, अब हम हाइड्रोजन नहीं बनाएंगे, हम क्या करते हैं, यहां पे देख स्ट्रेट चेन में कार्बन को डालो। कितना कार्बन है मेरे पास? चार। कितना है? चार। अब एक काम करो, एक कार्बन वहां से काट लो और यहां रख दो, यही दो स्ट्रक्चर बनेगा, ये पहला और ये दूसरा। नाम बोलो, अभी कुछ देर पहले बोले थे स्ट्रेट चेन वाला एन ब्यूटेन, दूसरे कार्बन पे एक कार्बन लटक गया आइसो ब्यूटेन, ये क्या है मेरा? एन ब्यूटेन, या सिंपली कह सकते हो ब्यूटेन। इसको अगर नाम लिखोगे कॉमन नेम तो क्या बोलोगे? आइसो ब्यूटेन। अरे बोलेंगे, अगर इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टू मिथाइल प्रोपेन। कितना आइसोमर? दो, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं बनेगा। देखो पेंटेन का, पेंटेन बोलो, फॉर्मूला बोलो, C5H12 है। हमने क्या बोला यहां पे नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना? तीन। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कौन सा आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हम आपको ट्रिक से याद करा रहे हैं वो कितना सिखा रहे? तीन। कितना सिखा रहे? तीन। सुनना कौन कौन सा, यहां देखो पहला, एकदम नहीं कुछ समझ में आए जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे रुक जाने रे, बोर्ड पी रहेगा, भाग नहीं जाएगा। सबसे पहले स्ट्रेट चेन में डालो, कितना कार्बन? पांच। नाम बोलो एन पेंटेन। अब एक काम करो, दूसरा आइसोमर लिखना होगा तो एक कार्बन काटो, एक कार्बन काटो यहां लगा दो आइसो पेंटेन। अब दो कार्बन काटो, तो दो कार्बन काटोगे तो यहां पे तीन ही होगा और यहां लगा दो, नाम बोलो नियो पेंटेन। नाम बोलो इसका एन, यानी नॉर्मल पेंटेन। अरे था, दूसरे कारण पे कार्बन आके लटक गया आइसो पेंटेन, कॉमन नेम है, और ये वाला कौन था? नियो पेंटेन। लेकिन अगर आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो यहां बोलो ये तो पेंटेन है, यहां बोलो टू मिथाइल ब्यूटेन, यहां बोलो टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन, लिख सकते हैं ना। अच्छा रहती जी, चलो अब आ जाओ हेक्सेन। बोलो जी हेक्सेन का फार्मूला C6H14H14। अल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो जितना कार्बन है उसका डबल करके दो जोड़ दो, तो 6 × 12 = 14। यहां पे हमने सिखाया कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना? पांच। कितना सिखाए? पांच। सुनो अब तुम लोग भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं तो मेरे को ही आता है। रुको एक मिनट, जैसे सिखाए वैसे देख, वैसे देख, अभी कुछ मत लिखना। सबसे पहला काम क्या बोले थे? स्ट्रेट चेन में छह कार्बन रख दो, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे क्या करो, एक कार्बन काटो, तो एक कार्बन काटेंगे तो यहां पे बोलो कितना कार्बन? पांच। यहां देख, छोड़ कॉपी पेन, कॉपी पेन छोड़, यहां देख, यहां रखो, तो ये क्या होगा? टू मिथाइल पेंटेन। अरे क्या होगा? अब एक काम करो, इसको वहां से पोजीशन बदलो, यहां रखो, नाम बोलो थ्री मिथाइल पेंटेन, अलग आइसोमर हो गया। अब यहां रखोगे फिर से तो टू मिथाइल हो जाएगा, यानी अब एक कार्बन से काम नहीं चलेगा, अब कितना काटना होगा? दो। सबसे बड़ा कष्टकारी ये केसिंग है ना, मेरे नाम पे दो चार को गाली फोड़ देना, लेकिन पढ़ लो। अब बोले कितना कार्बन काटना होगा? दो।
तो दो काटोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? चार। अरे बचेगा, एक काम करो यहाँ रख दो, 2,3-dimethylbutane कितना हो गया? चार। एक और देख ले, एक ही कार्बन पे दोनों को रख, चाहे यहां रख चाहे यहां रख, बात बराबर होगा। अरे इधर से काउंट करोगे तो 2,2-dimethyl, इधर से काउंट करोगे तो 2,2-dimethyl, चाहे यहां रखो यहां रखो, इसके अलावा कोई बनेगा नहीं और संभव नहीं है। टोटल आइसोमर कितना? 5। किसका? हेक्सेन का। किसका? हेक्सेन। बनाते जी मैं, चलो कोई बात, ध्यान देना। क्वेश्चन था आपका 6.1 एनसीईआरटी का, क्वेश्चन क्या था? 6.1 क्वेश्चन था आपका C5H11 और Br। आपसे कहा था इसका ड्रॉ करो, ड्रॉ 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और उसका क्या लिखो? आईयूपीएसी नेम। क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम, और उसको क्लासिफाई करना है क्या, 1 degree, 2 degree, or 3 degree, अल्काइल हैलाइड कौन सा है, ये ना। छोड़ दे, कुछ मत लिख अभी, छोड़। हम आपको कभी सिखाए थे, यहाँ देख, पिछले ही क्लास में सिखाए थे, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा करके और एक हैलोजन लगा दो तो अल्काइल हैलाइड बनता है। तो इसका जो पेरेंटल अल्केन होगा, यहाँ देखो, इसका जो पेरेंटल अल्केन होगा, पेरेंटल अल्केन होगा, कैसे लिखोगे? यहां से Br हटा के और क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन। क्या मिला? C5H12, यानी ये कौन है? अरे कौन है? पेंटेन। हमने अभी अभी सीखा है एज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन पेंटेन, बोलो कितना? कितना? 3। हमने कितना सीख रखा है? 3। छोड़ना कॉपी पेन, एकदम ढंग से सीखो। 5 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन, एक कार्बन काटो यहां होगा, उसके बाद तीसरा हम क्या सिखाए? 2 कार्बन काटो, यही 3। अब मेरे साथ सोचना, ब्रोमीन हम कहां कहां लगा सकते हैं जो मेरा स्ट्रक्चर अलग मिलेगा, एकदम ढंग से सोचना। यहां देख, अगर हम यहां लगाएं, यहां ब्रोमीन, नाम बोलो, 1 ब्रोमो, यहां लगाओ 2 ब्रोमो, यहां लगाओ 3 ब्रोमो, तो इस स्ट्रक्चर पे मेरा 3 अलग अलग आइसोमर मिला। फिर से बोल, यहां लगाएंगे तो 1 ब्रोमो, यहां लगाओ 2 ब्रोमो, यहां लगाओ, फिर यहां लगाओगे तो इधर से काउंट होगा 2 ब्रोमो, सेम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अरे बात समझ में आया ना, फिर से बोलो, यहां लगाओगे तो 1 ब्रोमो, यहां लगाओगे तो, यहां लगाओगे तो, लेकिन जब यहां फिर से लगा दो तो इधर से अब काउंट होगा। अरे किसी साइड से काउंट करो, नंबर क्या होना चाहिए? कम, तो इधर से काउंट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, सेम आ जाएगा। यानी इस स्ट्रक्चर पे कितना मेरा आइसोमर संभव हुआ? 3। चलो यहां जाओ, यहां बोलो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, यहां बोलो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, यहां बोलो अब इधर से 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, अलग है, यहां बोलो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, अरे होगा 1 ब्रोमो, तो सारा का सारा स्ट्रक्चर अलग है। कहोगे सर यहां और यहां में क्या अंतर होगा? यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात बराबर होगा, क्योंकि यहां लगाए तो क्या बोले? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, यहां भी लगाओगे तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, अरे होगा। यहां आ जाओ, किसी एक कार्बन पे लगा दो, सब सेम है, इस पे ब्रोमीन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन तो वहां एक ही लगेगा। चेक कर, कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, यही था, यही पूछा था आपसे, कितना आइसोमर बनेगा? 8। चलो अब हम उसका नाम और आईपीएससी ये लिखते हैं। बोलो यहां पे, पहला बोलो, ये कितना कार्बन था? 5 कार्बन का, यहां ब्रोमीन लगाओ। दूसरा बोलो, 5 कार्बन का, यहां ब्रोमीन लगाओ। तीसरा बोलो, 5 कार्बन का, यहां ब्रोमीन लगाओ। चलो अच्छा, आईपीएससी नेम भी लिखना है ना, रुक जा थोड़ी देर।
चलो कोई बात नहीं। चलो यहां देखो, आईयूपीएसी नेम भी लिखना है और क्लासिफिकेशन भी करना है कि ये कैसा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। मेरे साथ बोलो, कितना कार्बन? 5। कहां पे है ये? पहले पोजीशन पे। अरे है, कहां पे है ये? पहले पोजीशन पे। तो नाम बोलो इसका, 1-bromo-pentane होगा। अब तुम ही बताओ, ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कितने, वो ये वाला इधर वही कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक। तो बाकी आगे क्या है उससे हमें मतलब नहीं। यहां 2 हाइड्रोजन रहा होगा और एक क्या है? कार्बन। तो हमने क्या सिखाया था? वो कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो 1 डिग्री, वो कार्बन जो 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो 2 डिग्री। अरे पिछले क्लास में ना पढ़ाए हैं। तो ये कैसा हो गया? 1 डिग्री। कैसा हुआ? समझ में आया? रुको एक मिनट, इसका नाम लिखो, 1, 2, 3, 4 और 5। तो बोलो, 2 ब्रोमो और 5 कार्बन वाला पेंटेन। बोलो, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, तो कैसा होगा? बोलो 2 डिग्री। यहां बोलो, चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो, एक ही चीज है। ये कहां पे है? तीसरे पोजीशन पे। तो 3-bromo-pentane। फिर से बोलो, ये ब्रोमीन जिस कार्बन पे जुड़ा है वहां पे कितना कार्बन है? 2। तो 2 के लिए 2 डिग्री। चलो जल्दी मेंशन कर। अब देखो एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में दे देगा कि C5H11Br है, ठीक है, इसका बताओ टोटल नंबर ऑफ कितना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा या अल्काइल ब्रोमाइड होगा, यानी 1 डिग्री वाला कितना होगा? 1। प्राइमरी वाला कितना है? 1 यहां 1 यहां 2। अरे है बस, 1 यहां और 1 यहां, यही ना, 2 ही। ये वाला कहां है प्राइमरी? ये जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड हो गया? सॉरी, ये भी प्राइमरी हो, ये इसी कार्बन को देखोगे, इसी कार्बन को देखो तो 1 यहां भी, टोटल कितना हो गया? 1, 2 और 3। एक ये भी, टोटल कितना? 4। सॉरी, ये भी होगा, ये भी प्राइमरी हो जाएगा, कितना होगा? 4। अरे होगा, अगर ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन लगे तो एक काम करना, कभी अगर कन्फ्यूजन लगे ना तो इस तरह से यहाँ पे क्या करो, कार्बन हाइड्रोजन दिखा दो। तो जैसे मान लो लगाए ब्रोमीन, सोचे एक मिनट, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2। एक तो इधर ब्रोमीन, तो एक ही ना बॉन्ड बचा, तो एक बॉन्ड बचा, यानी ये वाला कार्बन कैसा है? 1 डिग्री। अरे कैसा है? 1 डिग्री। पिछले क्लास में जो हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो सिखाए थे, थोड़ा सा रुक जा, एक मिनट रुक जा, ये वाला स्ट्रक्चर याद है? ये ना सिखाए थे? चलो बोलो मेरे साथ, ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? 1 से 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 अलग अलग कार्बन से तो 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से तो 3 डिग्री। ये वाला कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से तो 4 डिग्री। यही क्लासिफिकेशन होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। फिर से बोल, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। उस दौरान अगर वो एक दूसरे कार्बन से जुड़ा रहे तो 1 डिग्री, वैसा कार्बन जो 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा रहे 2 डिग्री, वैसा कार्बन जो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा रहे 3 डिग्री, वैसा कार्बन जो 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा रहे 4 डिग्री। चलो अब आ जाओ इसके चौथे स्ट्रक्चर पे। तो चौथे स्ट्रक्चर में बनाने से पहले यहां देखना, ये तो पहला वाला 3 खत्म, अब यहां आएंगे। चलो यहां से इधर से स्टार्ट होते, ये था स्ट्रक्चर मेरा, यहां पे BR लगा दो, नाम लिख सकते हैं? बोलो 1, 2, 3 और 4। नाम बोलो, 1-bromo-3-methyl। बोलो 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। ब्रोमीन जहां लगा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से। तो ये भी कैसा होगा? 1 डिग्री। कैसा होगा? 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। रुक जा, दूसरा बोलो,
दूसरा नहीं, कितना हो गया पांचवा। अब इस कार्बन पे जोड़ो, इस कार्बन पे यहां जोड़ दो ब्रोमीन। सोचो मेरे साथ, 1, 2, 3 और 4 होगा। नाम बोलो इसका, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और ब्यूटेन। बोलो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो ये भी ये कैसा होगा, 2 डिग्री। छठा बोलो, इसको यहां अटैच करो ब्रोमीन को। अब यहां से इधर से नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3 और 4। दूसरे पे ही ब्रोमीन है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और 4 कार्बन वाला, अरे बोलना, ब्यूटेन। अब बोलो ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3, तो ये कैसा हो गया, 3 डिग्री। ये खत्म। अब लास्ट वाला, रुक जाए एक मिनट, अब ये वाला स्ट्रक्चर पे एक ही बनेगा, एक कोई भी स्ट्रक्चर बना दो। एक और छूट गया, यहां पे छूट गया, सातवां, एक यहां पे छूट गया, ये वाला। बोलो यहां पे अटैच करो ब्रोमीन, बोलना 1, 2, 3 और 4, बोलना, नाम बोलो, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और कितना है ये 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। अब आपसे पूछेगा, यहां देख, ये ब्रोमीन जिस कार्बन जुड़ा है वो कितने कार्बन जुड़ा है, 1 से, तो ये कैसा होगा, 1 डिग्री। लास्ट स्ट्रक्चर आठवां, ये वाला, हमने क्या कहा था, कोई किनारे वाले कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ दो। नाम बोलो इसका, नंबरिंग करो, 1, 2 और 3। 1 पोजीशन पे कौन है, ब्रोमो। 2 पे 2 बार है, 2, 2, 2 बार कौन, मिथाइल। 2, 2, 2 बार आया तो डाइमिथाइल, और 3 कार्बन वाला प्रोपेन। अब आपसे पूछेगा ये कैसा है जी, बोलो, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको देखो, वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, उसके बाद कितना कार्बन जुड़ा है उससे हमको मतलब, ये वाला कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 से, तो ये कैसा होगा, 1 डिग्री। कैसा होगा, 1 डिग्री। ये था आपके एनसीईआरटी के बॉक्स में क्वेश्चन।